हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने किसी भी फेसबुक ग्रुप को अपने होम स्क्रीन पर कैसे ला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी फेसबुक ग्रुप का पोस्ट देखना होता है तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने फेसबुक ऐप में जाना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप अपने ग्रुप को होम स्क्रीन पर ले आएंगे तो फ्रेंड्स आपको फेसबुक में जाना नहीं पड़ेगा। सीधा आप जैसे ही उस ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे ग्रुप में चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ग्रुप को होम स्क्रीन पर कैसे ला सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको चले जाना है फेसबुक में। फेसबुक में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है ऊपर साइड कोने में इस थ्री लाइन के आइकन पर, आपको यहां पर करना है क्लिक। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुप का, तो फ्रेंड्स आपको ग्रुप पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां ऊपर वो सारे ग्रुप आ जाएंगे जिस ग्रुप को आपने ज्वाइन कर रखा है। तो फ्रेंड्स, अब आपको अपने जिस भी ग्रुप को होम स्क्रीन पर लाना होगा तो फ्रेंड्स यहां पर आपको उस ग्रुप के प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर वो ग्रुप ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ ये थ्री डॉट के लाइन का आइकन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टू होम स्क्रीन का, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको यहाँ ऐड पर क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे उसके बाद डायरेक्ट आपका ये ग्रुप आपके होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ ये ग्रुप हमारे होम स्क्रीन पर ऐड हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो ग्रुप यहाँ हमारे होम स्क्रीन पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी फेसबुक ग्रुप को अपने होम स्क्रीन पर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।